जे टी आर रमज़ान ट्रांसमिशन के नातिया कंपटीशन के साथ हाजिर खिदमत हैं नाज़रीन मोहतरम, हम ये दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे सेहत और ईमान की सलामती के साथ होंगे। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले अपने तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम ये दरख्वास्त करते हैं आपसे कि ये जो हमारा ये सेगमेंट शुरू हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अभी से लाइक और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हल्का अहबाब तक पहुँचाइए। अपनी आई डी से, अपने अकाउंट से और अपने पेजेस से ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो बिला किसी ताखीर के हम बढ़ते हैं जी अपने सना खान रसूल की तरफ, जो कि पहले हमारे सना खान हैं। सबसे पहले तो बेटा डाइस पे आइए और अपना तारुफ पेश कीजिए कि क्या नाम है, कहाँ से ताल्लुक़ है और क्या सुनाने जा रहे हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान खान है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद सलीम खान है और जामिया अशरफुल मदारिस से मेरा ताल्लुक़ है। जी शुरू कीजिए। है नजर में जमाले हबीबे खुदा, है नजर में जमाले हबीबे खुदा, जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है और जिसने हमको कलामे इलाही दिया, जिसने हमको कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले आला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। है नजर में जमाले हबीबे खुदा, जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है और जिसने हमको कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। मैंने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़ कर मैं मदीना न जाऊं कहीं, न जाऊं कहीं, क्योंकि जन्नत में सब है मदीना नहीं, क्योंकि जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। है नजर में जमाले हबीबे खुदा, जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। बहुत अच्छा कलाम पढ़ा है जी। अगले हमारे सना खान रसूल, आइए बेटा सबसे पहले तो तारुफ अपना, क्या नाम है, कहाँ से ताल्लुक है, क्या सुना रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद हसन है, मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद असलम है, मैं जामियतुर रशीद तहफीजुल कुरान में पढ़ता हूँ। अच्छा जी, हसन जी क्या सुना रहे हैं। अल्लाह 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 तेरा शुक्र है अल्लाह, तेरा शुक्र है अल्लाह, तेरा शुक्र है अल्लाह, तेरा शुक्र है। तूने महबूब अता किया हमें जिसने कलमा पढ़ा दिया, तूने महबूब अता किया हमें जिसने कलमा पढ़ा दिया, तूने हम पे कितना करम किया हमें उम्मती जो बना दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह, तेरा शुक्र है अल्लाह, तेरा शुक्र है अल्लाह, तेरा शुक्र है। कुरान में हमने पढ़ा
कुरान में हमने पढ़ा इरशाद पाक है ये तेरा किया जिसने शुक्र अदा मेरा मेरा मैंने उतना ज्यादा उसे दिया अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह तेरा शुक्र है ये इज्जत ये रिफात तेरे जिक्र से ही मेरी मुझे ये इज्जत ये रिफात तेरे जिक्र से ही मिली मुझे मैं तो संगीरा है नियाज था तूने एक नगीना बना दिया अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह तेरा शुक्र है तौफीक दे मुझे खुदा हो तेरी रिजा में मेरी रिजा तौफीक दे मुझे खुदा हो तेरी रिजा में मेरी रिजा रखे जहाँ जिस हाल में तेरा शुक्र करता रहूँ अदा अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह तेरा शुक्र है क्या कहते हैं जजेस हमारे हाँ तीसरे कंटेस्टेंट हैं वो आएंगे अपना नाम बताएं कहाँ से आए हैं वो भी बताइए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू वालेकुम सलाम मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद है मैं मदरसा निमरा रोजातुल कुरान शरीफाबाद फेटल बी एरिया से तशरीफ लाया हूँ अच्छा माशाल्लाह खुदा ने क्या बनाई नूर सी सूरत मुहम्मद की खुदा ने क्या बनाई नूर सी सूरत मुहम्मद की नजर आती है पर्दे पर दे पर सूरत मुहम्मद की ना हम जन्नत में जाएंगे ना हम दोज़ख में जाएंगे ना हम जन्नत में जाएंगे ना हम दोज़ख में जाएंगे खड़े देखा करेंगे हश्र में सूरत मुहम्मद की खड़े देखा करेंगे हश्र में सूरत मुहम्मद की खुदा ने क्या बनाई रिसी सूरत मुहम्मद की नजर आती है पर्दे पर दे पर सूरत मुहम्मद की हमें जन्नत में जाने से अगर रिजवान रोकेगा हमें जन्नत में जाने से अगर रिजवान रोकेगा निदा आएगी जाने दो ये उम्मत है मुहम्मद की निदा आएगी जाने दो ये उम्मत है मुहम्मद की खुदा ने क्या बनाई नूर सी सूरत मुहम्मद की नजर आती है पर्दे पर दे पर सूरत मुहम्मद की खुदा ने खुद ये फरमाया कि जन्नत है मुहम्मद की खुदा ने खुद ये फरमाया कि जन्नत है मुहम्मद
मोहम्मद की, खुदा ने खुद ये फरमाया कि जन्नत है मोहम्मद की, कभी दोज़ख में जा सकती नहीं उम्मत मोहम्मद की, कभी दोज़ख में जा सकती नहीं उम्मत मोहम्मद की, खुदा ने क्या बनाई नूर रिसी सूरत मोहम्मद की। खूबसूरत सज्जाद साहब तशरीफ रखिए, अपनी जगह पे तशरीफ लाएं। हमारे जो जजेस हैं वो रिज़ल्ट कंपाइल कर रहे हैं, उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट्स। एक अहम अनाउंसमेंट ये कि हमारी ये जो ट्रांसमिशन जेटिया मीडिया हाउस के फेसबुक पे यूट्यूब के ज़रिए से आप तक पहुंचाई जा रही है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। दूसरी अनाउंसमेंट भाई मोहम्मद नदीम करेंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, हमारे जो आज के स्पॉन्सर वो सबसे पहले तो ऑडियोनिक द साउंड मास्टर, जो जिनको आप देखते हैं मार्केट में, ख़ास तौर पे इनके जो स्पीकर्स हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे, दूसरे भी इनकी बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, एयरपोड्स हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया। इसके अलावा नूर कैप्स के नाम से, ये भी हमारा एक गोल्ड का ब्रांड है, इन्होंने भी हमें स्पॉन्सर किया है माशाल्लाह। तो ये बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे डिज़ाइन। और दूसरा आसनुल कलाम की तरफ से कुछ स्पॉन्सर्स हमारे साथ हैं, स्मार्ट बुक के नाम से इनकी एक जो है वो इंटरेक्टिव लर्निंग बुक है, जिसमें मुख्तलिफ फ़ीचर्स हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से, उनको तालीम देने के हवाले से, सीखने के हवाले से। तो बाकी जो है वो गुलजार फूड्स के नाम से आप देख रहे हैं, ये हमारा एक स्पॉन्सर है, ठीक है, ये भी हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है। इसके अलावा जो है वो आसनुल कलाम का जो है वो ई डिजिटल कुरान पेन के नाम से, और PDMS ख़ास तौर पर पाकिस्तान डेटा मैनेजमेंट सर्विस, जिनके 50 मिलियन जो है वो कुरान की जो ऐप है उसके डाउनलोड्स हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में कम बाहर की दुनिया में ज़्यादा, तो वो भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ अशफ़क कैप्स के नाम से बड़ी अच्छी कैप्स, बड़ी क्वालिटी का काम कर रहे हैं जनाब अशफ़क कैप्स वाले, उनका जो ख़ास तौर पर जो उनके आर्टिकल्स हैं बड़े अच्छे होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, और कपड़ा बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं माशाल्लाह। तो वो भी आप ज़रूर ख़ुद भी ख़रीदिए और सर की जीनत बनाइए, और दूसरे अपने दोस्तों को भी हदिया दीजिए। तो ये मुख्तलिफ हमारे स्पॉन्सर्स हैं जो हमेशा हमारे इस रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा रहेंगे। तो अब जजेस की तरफ बढ़ते हैं, अपनी जो आज के हमारे विनर्स हैं जो क्वालिफाई करेंगे सेमीफाइनल की तरफ। तो जी जजेस, जजेस की तरफ दो मुकाबले के शरीक ने क्वालिफाई किया है सेमीफाइनल के लिए, मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद सज्जाद। मोहम्मद उस्मान और सज्जाद आ जाइए, दो बंदे जी जी, जी। माशाल्लाह, दो सना खान रसूल हमारे सेमीफाइनल के लिए, माशाल्लाह। मोहम्मद हसन सेकंड आए, मोहम्मद हसन बहुत अच्छा है, और मेहनत करो इंशाल्लाह। और जी मोहम्मद हसन की तरफ जाएगी, जी बेटा ठीक है माशाल्लाह, चलिए अपनी जगह पे तशरीफ। आज का हमारा ये नातिया कंपटीशन अपने अख्ताम को पहुंचा, तीन सना खान रसूल हमारे साथ आज शरीक रहे, और उनमें से दो ने खुशकिस्मती से जो है वो क्वालिफाई किया है सेमीफाइनल के लिए। तो इंशाल्लाह दोबारा अपने इसी नात कंपटीशन के साथ हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफिज़।